नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो हम लोग जो यह सीरीज पढ़ रहे हैं रोगों का, उस क्रम में आज का वीडियो की बात करें तो आज का वीडियो का नंबर है पार्ट नंबर 9। इससे पहले हम ऑलरेडी 8 पार्ट बना चुके हैं और बहुत विस्तार से हमने पढ़ाया है, तो उसे भी जा करके ज़रूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया का क्या कारण है, इसका क्या लक्षण है और इसका क्या इलाज है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सब वीडियो हमने पूरी तरीके से बना दिया है। ठीक है, देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हमने चैनल के प्लेलिस्ट में लगा दिया है। जैसे ही चैनल का लोगो क्लिक करेंगे फिर स्वाइप करते हुए जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर सारा वीडियो क्रम से लगा हुआ है। और चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे लाल वाला बटन दबा करके बगल में घंटे का निशान भी दबा देना है। तो चलिए देखते हैं मलेरिया के बारे में, और उससे पहले एक बार सिलेबस की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस में हमने यह जो स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं इसको ऑलरेडी करा दिया है, और रोग वाले टॉपिक में आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर मलेरिया। ठीक है, तो कुछ ही रोग रह गए हैं उनको भी हम पढ़ करके धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। तो देखिए मलेरिया, मलेरिया की बात करें तो मलेरिया दो शब्दों से मिलकर बना है, माला प्लस एरिया। माला प्लस एरिया जिसका मतलब होता है बुरी हवा, यानी कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मच्छर के काटने से होती है। तो देखिए इसका कारण क्या है, तो यह प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी प्रोटोजोआ के काटने से, मतलब परजीवी प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। हमने बहुत सारी बीमारियां पढ़ी, कुछ बीमारियां वायरस से होती हैं, कुछ जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होती हैं, यह किससे होती है, तो यह प्रोटोजोआ से होती है। तो पहला पॉइंट याद करने लायक बात यह है। और इस जो मलेरिया है, मलेरिया के कारण की खोज किसने की, या किसने बताया कि मलेरिया हमें कैसे होगा, मतलब कैसे होता है, इसके कारण की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस। तो दूसरा पॉइंट इसको याद रख लेना है, मलेरिया के कारण की खोज किसने की, रोनाल्ड रॉस ने। इसके टीका की बात करें तो अभी हम आगे चल करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने यही दिख रहे हैं रोनाल्ड राज साहब, इनके जन्म उन्म को लेकर के ज़्यादा नहीं याद करना है, बस याद कर लीजिए टीका की खोज, मतलब मलेरिया के कारण की खोज किसने की थी, रोनाल्ड राज ने। और यह ब्रिटिश के एक वैज्ञानिक थे या फिर ब्रिटिश के या डॉक्टर थे। ठीक है, और इन्होंने इनके कार्य के लिए 1902 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो याद रख लीजिए, यहाँ से भी दो तीन पॉइंट मिला रोनाल्ड रॉस, और यहाँ पर 1902 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल की बात करें तो 1900 या 1901 में यह स्टार्ट होना यानी देना इसे शुरू किया गया था, और 1902 में ही इनको मिल गया। एक भारतीय को भी नोबेल मिला है, साहित्य के क्षेत्र में भी मिला है और साइंस के भी क्षेत्र में मिला है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा साइंस के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक को 1929-30 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और इनकी बात करें तो इनका जन्म भी भारत में ही हुआ था, उत्तराखंड में। और मलेरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको दलदली बुखार यानी कि मार्स फीवर के नाम से भी जाना जाता है। दलदली बुखार क्यों, क्योंकि दलदली ही इलाके में यह जो मच्छर हैं इसके जन्म लेते हैं और मनुष्य को काटते हैं और मनुष्य बीमार पड़ता है, इसलिए इसे दलदली बुखार या फिर मार्स फीवर भी कहा जाता है। मलेरिया का एक प्रकार का परजीवी यानी कि पैरासाइट, पैरासाइट यानी कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, तो यह खून पी करके ही जीवित रहता है मनुष्य का, इसीलिए इसे परजीवी कहा जाता है। तो परजीवी के कारण होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की बात करें तो यह पांच प्रकार का होता है। ठीक है, मलेरिया मुख्यतः पांच प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है तो यहाँ पर देख लीजिए। पहला है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरस, यह पैरासाइट के द्वारा होने वाला मलेरिया का बुखार जो है सबसे कामन है, ज़्यादातर लोगों को यही होता है। इससे संक्रमण के बाद क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक नहीं, लगभग दो दिन तक यानी 48 घंटे बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं और मनुष्य बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि मलेरिया को हल्के में नहीं लिया जाता है। दूसरा इसका है प्लाज्मोडियम वीवैक्स, यह दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जो इंडोनेशिया वाला मलेशिया वाला साइड पड़ता है और लैटिन अमेरिका के लोगों को होने वाला मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के बाद यह दूसरा सबसे कामन मलेरिया है। तीसरी की बात करें तो प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया, मलेरिया का भी यह प्रकार काफ़ी असामान्य है,
यह पैरासाइट एक मरीज जो होता है उसके लक्षण आए बगैर उसके लीवर में सालों साल तक रह सकता है। और जो यह मलेरिया है यह लीवर से ही संबंधित बुखार बीमारी है, क्योंकि जो मलेरिया काटते हैं उसके जो समझिए मच्छर का जो अंदर आपके खून के अंदर जो उसका वायरस जो उसका गया है डंक, वह जाकर कहाँ पनपता है, लीवर में ही पनपता है। ठीक है, तो अभी आगे बात करेंगे। चौथा इसका प्रकार है प्लाज्मोडियम मलेरिया, और यह पैरासाइट से होने वाला मलेरिया का क्वाटजन मलेरिया है। ऊपर दिए गए मलेरिया बुखारों की तुलना में कम खतरनाक है। इसमें मरीज को चौथे दिन बुखार आता है और यहाँ पर यूरिन के साथ प्रोटीन निकल जाने के कारण मनुष्य के शरीर में प्रोटीन की भी कमी हो जाती है इस मलेरिया के कारण। और पांचवा प्रकार है प्लाज्मोडियम नोलेसी। यह मलेरिया पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है और इसमें मरीज को बुखार, कपकपी और छूने के साथ भूख भी लगता है। अब देखिए मलेरिया रोग कैसे फैलता है। तो मलेरिया देखिए मच्छर कोई है यहाँ पर और कोई संक्रमित व्यक्ति है। संक्रमित व्यक्ति को यदि मच्छर काटा और वह मच्छर उड़ करके आपको भी यदि काट ले तो जो उसके लार के माध्यम से आपके शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में जो अंदर प्रोटोजोआ फैलता है इसी के कारण होता है मलेरिया। काटने के बाद यह खून में इसका जो मच्छर का लार है खून के संपर्क में आने से हमारे लीवर में आ जाता है और इसके जितने भी परजीवी होते हैं लीवर में ही पनपते हैं और लीवर में पनपने के बाद ही मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है जो कि एक मादा मच्छर है। ठीक है, तो मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इसे याद रख लीजिएगा। और यदि किसी व्यक्ति को वह काटता है तो उसके खून में नली मलेरिया के रोगाणु जो है फैल जाते हैं। ये परजीवी हीमोजॉइन टॉक्सिन नामक मानव शरीर में टॉक्सिन मतलब क्या होता है एक तरीके से विष, तो हीमोजाइन टॉक्सिन का निर्माण करते हैं मानव शरीर में। और यह कहां पर पहुंच जाता है, कलेजे यानी कि लीवर में पहुंच जाता है और यह अपने संख्या में काफ़ी मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं और वृद्धि करने के बाद यहां पर आप लोग देखेंगे आरबीसी। ठीक है, कहां गया आरबीसी। वृद्धि करने के बाद जो हमारा आरबीसी होता है आरबीसी को यह बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिका फट जाती है और मलेरिया के लक्षण व्यक्ति को आने लगते हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी नष्ट हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है मलेरिया में। इसके लक्षण क्या हैं, तो इसके लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं, तेज़ बुखार बहुत रहेगा और कपकपी छूटेगी, सिर दर्द बहुत करेगा, बदन दर्द करेगी, पसीना आएगा, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द रहता है और कमजोरी महसूस होता है, बेचैनी और उल्टी आना, यह सब इसके लक्षण हैं मलेरिया रोग के। अब देखिए मलेरिया का मच्छर कैसा होता है, इसको देखने पर कैसे पहचाना जा सकता है। तो देखिए मलेरिया रोग पैदा करने वाला जो एनाफिलीज मच्छर है यह रंग में एकदम काला या फिर ब्राउन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मलेरिया वाला ही मच्छर को हमने पकड़ करके बैठाया हुआ है तो डार्क ब्राउन या काला होता है। इसके अलावा इसकी जो पहचान की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इसकी टांगे हैं टांगे बहुत लंबी होती हैं और सफ़ेद और काली में यहाँ पर देखिए जोड़ों पर सफ़ेद और काली होती हैं मलेरिया के मच्छर। और शरीर में तीन भाग होते हैं, हालांकि सभी मच्छर के शरीर में तीन ही भाग होते हैं, तो यह इसका मुख्य लक्षण है मलेरिया के मच्छर का। तो देखिए मलेरिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है। तो याद रख लीजिए वर्ल्ड लेवल पर WHO द्वारा वर्ष 2007 से विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल याद रख लेना है, चूँकि पेपर होगा इसी साल, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या रखी गई है इसको भी याद करना जरूरी हो जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। तो थीम थोड़ी लंबी चौड़ी है, इसे भी एकदम याद रख ले मलेरिया दिवस 2022 की थीम। और मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य की बात करें तो भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 रखा गया है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो 2027 तक ही रखा गया है कि 2027 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑफिशियल जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है, इसे भी याद कर लेना है।
अब मलेरिया की वैक्सीन, तो मलेरिया की वैसे कोई दवाई नहीं थी, अभी हाल फिलहाल में मलेरिया की वैक्सीन खोजी गई है, मलेरिया की वैक्सीन बनाया गया है, तो इसे भी याद रख लेना है। मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स नामक एक इस वैक्सीन को ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, ठीक है, तो कंपनी का नाम भी यहाँ पर देख लेना है, वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन मलेरिया की जो वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स, तो इसे भी लिख लेना है, याद कर लेना है, मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन किसकी है, मलेरिया की है, और इसे WHO द्वारा अप्रूव कर दिया गया। कोई भी वैक्सीन यदि आती है तो WHO द्वारा इसे ही अप्रूव करवाना पड़ता है, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो या चाहे किसकी भी हो, WHO जब तक उसको मान्यता नहीं देता है तो वह आप उसका वैक्सीन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसकी औषधि भी कुछ है, औषधि मतलब दवा, जैसे कुनेन हमने पढ़ा है ना बचपन में, कुनेन मलेरिया की दवा किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है, तो कुनेन नामक वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, तो इसे भी याद रख लेना है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत प्रचलित क्वेश्चन है कुनेन। और यहाँ पर पेलुद्रीन नामक भी दवाई है और क्लोरोक्वीन नामक भी दवाई किसकी है, औषधि किसकी है, मलेरिया की है। तो मलेरिया से बचाव का तरीका हम बता देते हैं, तो मलेरिया से बचाव का सबसे पहला तरीका है कि यह मच्छर पनपता है अक्सर बरसात के दिनों में, तो बरसात के दिनों में फुल बाह का स्वेटर तो नहीं, फुल बाह का कपड़ा पहने, सोते समय मच्छरदानी का यूज करें, और कूलर और टैंक जैसी चीज़ों में पानी न भरने दें, टैंक में तो भरने दें लेकिन जो उसका ढक्कन होता है बंद रखें, और जहां कहीं भी पानी भरता हुआ दिखे तो उसे मिट्टी से भर दें, यानी कि पानी को हटा लें, या फिर कहीं पानी है तो उस पर मिट्टी का तेल थोड़ा बहुत डाल देंगे तो उस पर मच्छर बैठेंगे तो डूब जाएंगे, तो यहाँ से भी मच्छर पैदा होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब मच्छर इस पर पानी पर बैठेंगे तो तेल डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए इस पर मच्छर नहीं बैठ पाते हैं, या फिर बैठते भी हैं या इनका अंडा उंडा जो होता है सब डूब जाता है। तो मिट्टी का तेल भी कुछ बहुत डाल सकते हैं, और शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, और मच्छरदानी के में सोएं, और घर के आसपास कूड़ा करकट न इकट्ठा होने दें। तो यह सब हो गया मलेरिया से बचाव के उपाय। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि कोई भी डाउट है, वैसे हमने सभी पॉइंट को लेने का प्रयास किया है, जहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। और यहां पर देख सकते हैं मलेरिया का लक्षण हमने बाकायदा बना रखा है, और देखिए टेलीग्राम चैनल हमने नीचे लिंक दे रखा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर खबरें और बहुत सारे GS के फैक्ट वगैरह वहाँ पर शेयर किए जाते हैं, कोई भी सूचना टेलीग्राम पर ही सबसे पहले देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर शेयर वाली बटन है इसका भी उपयोग करते हुए दूसरों तक शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।